भारत ने तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे टी20 में इतिहास रच दिया। टी20 सीरीज के आखिरी मैच में टीम इंडिया ने किवी टीम को रोमांचक मुकाबले में 6 रनों से मात दी और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बारिश के चलते मैच 8-8 ओवर का खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने मुश्किल पिच पर 5 विकेट खोकर 67 रन बनाए। इसके बाद किवी टीम को पिच पर और भी दिक्कत हुई और वो 8 ओवर में सिर्फ 61 रन ही बना पाई। टीम इंडिया ने मैच तो जीत लिया, लेकिन इस जीत के दौरान कई बड़ी बातें भी देखने को मिली। आपको बताते हैं मैच के 4 बड़ी बातें। पहली, सीरीज जीत। टीम इंडिया ने पहली बार अपने इतिहास में न्यूजीलैंड टीम से टी20 सीरीज जीती है। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया ने कीवी टीम से एक भी टी20 मैच नहीं जीता था, लेकिन कोटला में खेले गए पहले टी20 में उसने अपनी पहली जीत हासिल की। उसके बाद दूसरा टी20 गवाया, लेकिन तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने सीरीज जीतने का भी पहली बार कारनामा कर दिया। फाइनल में बादशाहत बरकरार। टीम इंडिया ने बायलैटरल सीरीज के फाइनल मैच में अजय रहने का कारनामा भी बरकरार रखा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच का तीसरा मैच बारिश के चलते रद्द हो गया था। वैसे आपको बता दें कि साल 2016 से टीम इंडिया ने वनडे और टी20 बायलैटरल सीरीज जिताने वाले मुकाबले सभी जीते हैं। उसने 3 वनडे और 4 टी20 सीरीज के आखिरी मैच जीते हैं। टीम इंडिया की जीत के साथ ही टी20 रैंकिंग में कीवी टीम दूसरे नंबर पर लुढ़क गई है। भारत को इस सीरीज जीतने से कोई खास फायदा नहीं हुआ है, वो टी20 रैंकिंग्स में 5वें नंबर पर ही बरकरार है। वहीं पाकिस्तान पहले नंबर पर है। मैच की चौथी बड़ी बात यह है कि धोनी ने अपने करियर में टीम इंडिया की 256वीं जीत देखी है। तीनों फॉर्मेट को अगर मिला दें तो ये धोनी के करियर की 256वीं जीत है। सचिन ने सबसे ज्यादा 307 मैच जीते हैं। युवराज सिंह 227 मैचों के साथ तीसरे नंबर पर हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।